हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। आपका रिजल्ट एक दो दिन में आने वाला है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पता लग सके कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, उनका रिजल्ट 12 या 13 तारीख को आ सकता है। जैसे कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं 12वीं में इस बार बोनस नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ये नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यानी कि इन बोनस नंबर की मदद से वे टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन कुछ नंबर कम होने की वजह से यदि वो फेल हो जाते हैं तो उनके लिए ये बोनस अंक महत्वपूर्ण रहेंगे, जिससे वो पात्रता अनुसार पास हो सकें। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है शुक्रवार तक नतीजे आने की संभावना है, यानी कि आपका रिजल्ट 12 या 13 तारीख को आ सकता है। और यहाँ पर 13 तारीख लिखा हुआ है, लेकिन अभी शाम को जो न्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 12 मई तक आ सकता है। जो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं वाले, वो ध्यान दें, 12वीं वालों का रिजल्ट 12 मई तक आ सकता है, और जो स्टूडेंट 10वीं क्लास में हैं उनका रिजल्ट 13 या 14 तारीख तक आ सकता है। यानी कि आपके संडे तक 10th और 12th दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। तो चैनल पर बने रहें, आपको इसी तरीके की वीडियो रिजल्ट से लेके पेपर सभी से की न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।